हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। मैंगो सीरीज की थर्ड रेसिपी है मैंगो कुल्फी। आपने अभी तक मैंगो सोरबे और आम पापड़ की रेसिपी नहीं देखी है तो स्क्रीन में ऊपर और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। लेट्स जंप टू द रेसिपी। स्टोव ऑन करते हैं और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। एक थिक बेस वाली कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 1 लीटर फुल फैट मिल्क। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क पाउडर। थोड़ा सा केसर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे चिपक ना जाए। मिल्क थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब आप देख सकते हो मिल्क थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप घर की बनी हुई मलाई। मिल्क पाउडर और मलाई डालने से कुल्फी में एकदम दानेदार टेक्स्चर आता है, बिल्कुल रेडीमेड कुल्फी जैसा। अब मिल्क को तब तक उबालेंगे जब तक ये क्वांटिटी में आधे से भी कम हो जाए। याद रखें कढ़ाई में दूध नीचे जल ना जाए इसलिए इसे कंटिन्यूस चलाते रहे। अब आप देख सकते हो दूध हमारा उबलकर रिड्यूस हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है और इसमें एकदम दानेदार टेक्सचर भी आ गया है जो कुल्फी के लिए बेस्ट है। अब इसमें हम डालेंगे 80 ग्राम ऑफ शुगर। हम मिल्क को शुगर मेल्ट होने तक और उबालेंगे। शुगर मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड नट्स जिससे बहुत अच्छा नटी फ्लेवर आएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मिल्क ठंडा हो रहा है तब तक हम मैंगो प्यूरे बना लेते हैं। मैंगो प्यूरे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे 2 केसर मैंगो। अगर आपके पास केसर मैंगो अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी मैंगो यूज़ कर सकते हो। मैंगो पीसेस को हम डाल देंगे ब्लेंडिंग जार में, इसे हम स्मूथ पेस्ट हो जाए तब तक ब्लेंड करेंगे। मैंगो प्यूरे को अब हम मिक्स कर देंगे हमारे मिल्क में। मैंगो प्यूरे हमेशा मिल्क ठंडा होने के बाद ही मिक्स करते हैं ताकि मिल्क हमारा फट ना जाए। विस्कर की हेल्प से हम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंगो कुल्फी मिक्सचर अब रेडी है मोल्ड में डालने के लिए। हाफ मिक्सचर को हम कुल्फी मोल्ड में डालेंगे और हाफ मिक्सचर का हम बनाएंगे कुल्फी रोल आउट, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम मैंगो कुल्फी मिक्सचर को हमारे कुल्फी मोल्ड्स में फिल कर देंगे। फिर डालेंगे थोड़े से मैंगो पीसेस। इस तरह से हम बाकी के मोल्ड को भी फिल कर लेंगे। अब कुल्फी मोल्ड की कैप बंद करके फ्रीजर में रख देंगे। अब रोल आउट कुल्फी बनाने के लिए इसे हम डालेंगे राउंड कंटेनर में और लास्ट में ऐड करेंगे मैंगो पीसेस। अब इसे भी लिड क्लोज करके फ्रीजर में रख देंगे अराउंड 7 to 8 आवर्स। मैंगो कुल्फी जम गई है, इसे अनमोल्ड करने के 3-4 मिनट पहले ही फ्रीजर में से निकाल लेंगे ताकि इसे अनमोल्ड करने में इजी हो। कुल्फी को अनमोल्ड करने का एक और तरीका है, आप कुल्फी मोल्ड को नल के पानी से धोकर भी इजीली निकाल सकते हो। आप देख सकते हो हमारी कुल्फी इजीली अनमोल्ड हो गई है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। मैंगो कुल्फी को गार्निश करेंगे हम चॉप्ड पिस्ता से। मैंगो कुल्फी और पिस्ता का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। हमारी मैंगो कुल्फी बन गई है और इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल रेडीमेड जैसी। रोल आउट कुल्फी को भी अनमोल्ड करने के 3-4 मिनट पहले ही फ्रीजर में से निकाल लेंगे। इसे हम हाथ में घुमाते हुए और टैप करते हुए अनमोल्ड करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे स्लाइसिस में। इस स्लाइस को भी हम गार्निश करेंगे चॉप्ड पिस्ता से। आप
आपने भी ये मैंगो कुल्फ़ी घर पे बनाई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी है। और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग भी समर सीज़न की मैंगो कुल्फ़ी एंजॉय कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।